मैं आपको एक इम्पोर्टेंट मैसेज भी देना चाहूँगा। आज मैंने आप सबको यहाँ में निमंत्रण दिया है, अष्टम भोजन तो आज नहीं है क्योंकि दशहरा में होता है, विजयदशमी में होता है, लेकिन दिवाली से पहले मुझे लगा कि आप सबको हमारे जो समाजपति है, जो हौदा है, जो अकरा है, जो नारंग है, जो सास्ताव है, जो क्षत्रिय समाज है, जो अलग अलग नकमा है, जो अलग अलग कम्युनिटी का समाजपति है, और यहाँ में जो मीडिया है, मैं आपको एक मैसेज देने के लिए आज मैंने आपको यहाँ में इनवाइट किया। ये मैसेज पॉलिटिकल नहीं है, ये मैसेज थ्रू मीडिया। मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के थ्रू, आपके यूट्यूब के थ्रू जो मेरा दिल का आवाज़ है वो सबके पास जाए। ये मैसेज सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये मैसेज सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, ये मैसेज मेरे टिप्रासा जो अपने आप को टिप्रासा समझते हैं, जो अपने आप को हानि गुस्सा समझते हैं, उसके लिए। आज से थोड़े देर पहले एक प्रोग्राम था और उस समय मुझे बोला गया कि यहाँ में हमारा जो पतली और जमतिया है उनके घर का कंडीशन बहुत खराब है। तो मैं उनके घर गया था किला में, इनसे मिलके आया, इनको हेल्प भी करके आया, लेकिन सच्चाई है कि ये सिर्फ इनका प्रॉब्लम नहीं, ये हमारा दोहा का प्रॉब्लम। यहाँ में बहुत एमएलएज हैं, ईएम्स हैं, एक्स ईएम्स हैं, एक्स एमएलएज हैं, एक्स मिनिस्टर्स हैं। आप सबके घर में चले जाओ, उनका कंडीशन इतना खराब नहीं होगा जितना हमारा हौदा का था, हमारा अकरा का था। क्यों क्यों है कि मंत्री का घर को कभी प्रॉब्लम नहीं होता है और हमारा समाजपति का घर को प्रॉब्लम होता है? क्यों है कि जो लोग हमको बोलते हैं कि आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहिए, आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहिए, जो नेता लोग बोलते हैं कि आपको अपने बच्चे को इंग्लिश एजुकेशन नहीं देना चाहिए, उन्हीं का नेता का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है, लेकिन आपका बच्चा को बोला जाता है कि आपका बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़े? क्यों? दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिक्स, ये आर्थिक प्रॉब्लम है। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई कम्युनिटी को 100 रुपया देकर पूरा दिन वंदे मातरम, लाल सलाम, भारत माता की जय अगर कोई कर सकता है 100 रुपया देकर, फ्लैग उठाकर पूरा दिन पॉलिटिक्स करो, वो टिप्रासाई, क्योंकि टिप्रासा गरीब। ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। और मेरा मैसेज है कि जब तक हम अपना इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक नहीं करेंगे कुछ नहीं। मैं सिर्फ समाजपति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, सामने में मीडिया भी है, नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन बहुत मीडिया के मेरे फ्रेंड्स हैं, हमेशा फोन करते, बुबागरा थोड़ा एडवर्टाइजमेंट दे दो, चल रहा नहीं है। और मैं समझता हूं कि सच में आप लोग झूठ नहीं बोल रहे, मैं जानता हूं कि आपके ऊपर भी प्रेशर है, महीने का अंत हुआ, सैलरी देना है, घर चलाना है, बच्चा को स्कूल में भेजना है, फेस्टिवल हुआ, त्योहार हुआ, अपना बीवी बच्चा के लिए कुछ खरीदना है, आपके पास महीने का अंत तक पॉकेट में 10 रुपए नहीं बचता।
ये सच है और ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा प्रॉब्लम मेघालय में क्यों नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम मिजोरम में क्यों नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम नागालैंड में क्यों नहीं है, अरुणाचल में क्यों नहीं है, ये प्रॉब्लम सिर्फ त्रिपुरा में क्यों है? क्योंकि हम लोग कमजोर हो गए, हम लोग गरीब हैं, हमारे हाथ में सिस्टम नहीं है। अगर आपको सिस्टम को लेना है तो एकता को रखना पड़ेगा। आपका नारायण आता है मुझसे मिलने के लिए, मैं भी बहुत सीखा हूं आपसे वीरेंद्र, मैंने आपसे बहुत सीखा। शुरू शुरू में जब बुबागरा महाराज बन के आता था, मुझे लगता था कि मेरे पास सोल्यूशन है। सोल्यूशन एक आदमी को कभी नहीं मिले, कम्युनिटी को सोल्यूशन चाहिए। जब नारायण आके बोलता है कि मेरा स्कूल को मरम्मत करना है, मेरे पास पैसा नहीं है, जो त्रिपुरा कम्युनिटी का सबसे बड़ा समाजपति है उसके पास अपना स्कूल को खत्म करने के लिए पैसा का प्रॉब्लम है, तो ये शर्म सिर्फ त्रिपुरा समाज को नहीं, हम सबको। जब पतलीला जमातिया का घर, जब बारिश होता है घर से छत लीक करता है, तो ये शर्म सिर्फ जमातिया को नहीं होना है, पूरा त्रिपुरा साहब कम्युनिटी को होना है। जब कोई हमारे रियांग, उनको आप जाके देख लो, अभी ब्लू सेटलमेंट का पानी नहीं है, बाथरूम नहीं है, नेता को थोड़ा रुपए देकर डिवाइड कर दिया, रियांग गरीब था, गरीब है और जैसा चल रहा है गरीब रहेगा। जब रियांग को डिप्राइव किया जाता है तो ये रियांग का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम पिपरासा का है। जब तक हम लोग सिर्फ अकेला अपने बारे या अपना जाति के बारे, अपना टाइटल के बारे, अपना सरनेम के बारे में, जमतिया हूं मैं, उच्चोई हूं मैं, बंगचेर हूं मैं, टाइपिंग हूं मैं, ये सोचते रहा ना, कुछ नहीं मिलेगा। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये लॉजिकल है। यहां में आपका मीडिया चैनल, कोई कॉकपिन है, कोई इस्लाम जाति है, कोई चीनी खोरांग है, कोई कॉक त्रिपुरा है, कोई डोंगर है, लेकिन आप लोग सब गरीब। अगर कला प्रेस क्लब में आपको दो मिनट में अगर आपने अपना जाति के बारे में बात किया, आपको नाक मार के निकाल देंगे, लेकिन ये बोलने का हिम्मत नहीं। थानसा अगर आपने नहीं रखा, कुछ नहीं मिलने का। आपका आज मैं यहां में आया हूं, मैं चश्मा पहने लगा हूं, आज भुवागरा का भी उम्र हो गया, आप सबका उम्र हो गया। विजय राघवन यहां में एक टाइम जंगल में विजय राघवन, उस नाम सुनकर सब डरता था, आज विजय राघवन का भी उम्र हो, पवित्र भक्ति का भी उम्र हो, यहां में कोई जवान नहीं है। आपका टाइम गया, मेरा टाइम भी जा रहा है, लेकिन आपका जो बच्चा है उनका क्या होगा? चाइल्ड, उनका भविष्य का क्या होगा? हमने तो देखा है, हमने देखा है 80 दंगा भी देखा, अकॉर्ड भी देखा, मोथा को भी देखा, आईपीएफटी को भी देखा, पीयूजीएस को भी देखा, पवित्र भक्ति विजय रामपाल ने डुमूर को भी देखा, अपना हानि भूसा को भूमिहीन किया गया वो सब देखा हमने, देखा ना, बहुत लोग ने अपना घर जलते हुए देखा। और आज भी हम लोग अपने आप का प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सका, क्योंकि
हम लोग एक दूसरे से जलता है, जेलेसी। और मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ भी हो, बिजनेस करना हो, पढ़ाई करना हो, नौकरी करना हो, शादी करना हो, खुश रहना, तो सबसे पहले अपने दिल के अंदर से जलन को, नेगेटिविटी को और अहंकार को बाहर लो। क्योंकि आज अगर एक पिपरासा दूसरा पिपरासा को मारेगा तो पिपरासा को कुछ नहीं मिलेगा। अगर आज जय वर्मा जमतिया को मारेगा तो जमतिया को मार के जय वर्मा को कुछ नहीं मिलेगा। आज अगर गंडक शराब में रियांग और त्रिपुरा का बीच में झगड़ा हुआ तो ना रियांग को कुछ मिलेगा ना त्रिपुरा को। आज अगर अम्पी में जमतिया और कोलोई काइपेन वंशे लड़ते रहा, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। एक होने के लिए सबसे पहले हस्मो भूजन क्या करते हैं हम लोग, विजयदशमी। विजयदशमी में हस्मो भूजन होता है। विजयदशमी क्यों होता है कोई बता सकता मुझे? उस दिन राम ने रावण को मारा। आपका रावण सामने नहीं है, कोई इंसान नहीं है, आपका रावण आपके दिल के अंदर है। ये नेगेटिविटी को आप खत्म करो। यू विल नेवर बी एबल टू डू एनीथिंग इन लाइफ इफ यू आर नेगेटिव। हां, जब पेट खाली है, बाहर में गर्मी है, गला सूखा है, प्यासा है, तो कभी कभी हम लोगों का लीडर लोग कुछ देखकर गलती रास्ता में चला जाए। लेकिन मैंने एक चीज समझा और ये मेरा मैसेज है, प्लीज अंडरस्टैंड। आज मणिपुर में यहां में हम लोग के पास विष्णुप्रिया है, वैतय है, कुकी है। आज मणिपुर में जो हो रहा है मैं आपको राइटिंग में लिख के दे देता हूं। 40 साल तक ना मणिपुरी को, मैतई को, विष्णुप्रिया को, ना कुकी को कुछ मिलेगा। पूरा दुनिया हंस रहा है, हम लोग एक दूसरे से फाइट कर रहा है। आप लोग दोनों जाकर दिल्ली जाओ या कलकत्ता जाओ, सब आपको नाक चट्टा बोलकर आपको एक ही समझेगा। लेकिन हम लोग दिशा अपना अलग, रिग्नाय अपना अलग, हम लोग अलग, धर्म अलग, रिलीजन अलग। आपका जमीन एक है, आपका बच्चा का भविष्य के बारे सोचो, थिंक अबाउट योर बच्चा। थोड़ा बाहर देखो क्या हो रहा है। बहुत लोगों से मैं दिल्ली में मिलता हूं, सब लोग बोलते हैं, बहुत नेता लोग बोलते हैं, अरे आप लोग तो ट्राइबल है, आप लोग तो आदिवासी है, आप लोग तो वनवासी है, आप लोग कितना